हाय ललिता। अरे भाभी आ गए आप, लाइए फाइल मुझे दीजिए। नहीं नहीं मैं रख लूंगी। ओहो भाभी आप अभी ऑफिस से आई है, थक गई होंगी, आप यहाँ आराम से बैठ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शक्कर कम। हाँ हाँ मुझे मालूम है। अपने ही किसी बंदे को इस तरह फंसा कर क्या हासिल हुआ दिव्यानी? जगजीत को ऑफिस से निकलवाने के पीछे तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? किसी की एक भूल को कभी माफ किया नहीं जा सकता। मम्मी जी क्या मेरी बुराइयों का साया मेरी अच्छाइयों पर भी हमेशा के लिए पड़ता रहेगा? क्या मुझे जिंदगी को नए सिरे से जीने का एक मौका नहीं देंगे आप? अगर इंसान कदम कदम पर सिर्फ गलत करता रहे तो उसका यही फैसला उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देता है, और शायद तुम्हारे साथ यही हुआ है दिव्या। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, बस मैं ये नहीं चाहती कि किसी और की बुराइयों की सजा मुझे भुगतनी पड़े। मम्मी जी जगजीत ने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पर नहीं किया, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आपको विश्वास दिलाने की हर कोशिश मेरी बेकार जा रही है मम्मी जी। मम्मी जी मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, क्या आप मुझे मेरी जिंदगी को नए सिरे से जीने का एक मौका नहीं देंगे? वो मौका तुम खो चुकी हो देवयानी, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर से। देवयानी अपनी बेजरूरी बातों से भाभी को और परेशान मत करो, देख ले रही हो कितनी थकी हुई है वो, जाओ अपने कमरे में समझी तुम। बुआ जी मैं तो आप लोगों की बात समझ चुकी हूँ, लेकिन आप लोग आज भी शायद मुझे नहीं समझ पाए हो। देवयानी हमसे बेहतर तुम्हें और कौन समझ सकता? बुआ जी आपकी हर बात जायज है, सच कहो तो मुझे आपकी एक भी बात का बुरा नहीं लगा। हाँ और मम्मी जी अगर आप लोगों का साथ रहा तो जिस दुनिया को नफरत की नजर से देखना सीख चुकी हूँ उसी गलत नजरिए को जरूर बदल पाऊंगी। देवयानी को अचानक क्या हो गया? इसके तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे नहीं? ठीक है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल मेरे केबिन में भिजवा देना, मैं मीटिंग में उसे डिस्कस कर लूंगा। ओके राइट देन। ओके अरे ज्योति अभी भी विमल का फोन आया था, हम उस प्रोजेक्ट के बारे में कल मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। फाइन कम ज्योति, तुम ही कहा करती थी कि मैं और मॉम तुम्हारी काबिलियत को अच्छी तरह से समझते हैं और
इस ऑफिस में तुम्हारे काम करने के तरीके पर हम कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे, तो फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? चाहे जगजीत ने गलत ही क्यों ना किया हो, पर पता नहीं क्यों मुझे उसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। सोचिए सर, उसने इतने सालों तक इस कंपनी में काम किया है सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि एक दिन उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और अगर मेरे इस ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद उसे अपना ये ख्वाब टूटता हुआ नजर आया तो मेरे लिए उसके मन में कड़वाहट पैदा होना तो लाजमी था ना सर। और शायद उसने धोखे का सहारा तरक्की पाने के लिए ही लिया था, जो दरअसल उसका हक था सर। क्या अपनी जिंदगी के इतने साल इस कंपनी को देने के बाद उसे तरक्की नहीं मिलनी चाहिए थी? देखो ज्योति, जगजीत के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये आज उसने पहली बार नहीं किया है, लेकिन हर बार इस बात को सोच करके उसने हमारे साथ इतने सालों काम किया है, हमने उसे हर बार मौका दिया, लेकिन जगजीत जैसे लोग कंपनी का भला कभी चाह ही नहीं सकते। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। जगजीत के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, और ये मत भूलो ज्योति कि जगजीत की वजह से ही हमारे कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसके साथ तो इससे भी बदतर सलूक होना चाहिए था। जो कुछ भी जगजीत के साथ हुआ है उसके लिए तुम अपने आप को बिल्कुल भी जिम्मेदार मत समझो, और देखो इन बातों को सोचकर तुम अपने आप को परेशान मत करो। बेहतर यही होगा कि तुम इस वाकये को भूल जाओ और इस ऑफिस में एक नए कल की शुरुआत करो। ओके? यस सर। तुम अभी घर ही जा रही हो ना? हाँ सर। तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, प्लीज। भाभी? हाँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता है ललिता, देवयानी की बातों में कितनी सच्चाई है? भाभी, देवयानी और सच्चाई, इन दोनों के बीच में दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं। ये लड़की जो कुछ भी करती है ना, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ होता है। पता नहीं इस बार इसकी इस नौटंकी के पीछे क्या मकसद छुपा है। मेरा दिल भी यही कहता है, इसलिए उसकी किसी बातों को सच मानने के लिए मेरा मन गवाही नहीं देता। चलो इसी बहाने घर में शांति तो बनी रहेगी। भाभी, मुझे लगता है ये सब आपके उस थप्पड़ का असर है। चलो कम से कम देवयानी आपसे डरने तो लग गई। जिस देवयानी से ये पूरा घर डरता था, आज वही देवयानी आपसे डरने लग गई है। ये बहुत बड़ी बात है भाभी। फिर कुणाल मुझे पर्ल पॉइंट पे ले गया और हमने सी बीच पे बैठ के सनसेट देखा। पता है भाभी, उस पल को ऐसा लग रहा था कि जिंदगी यहीं पूरी हो जाए, और मैंने कुणाल के साथ बहुत 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 एंजॉय किया। अच्छा तारा, तुम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, और ये बात अच्छी है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने का वक्त मिल रहा है। भाभी, मैं कुणाल की पसंद नापसंद सब जान चुकी हूँ, और मैं भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप भी हमारे साथ बैठिए, आइए। अभी नहीं कुटो। क्या भैया आपके पास? अभी नहीं कुटो। क्या भैया आपके पास किसी के लिए टाइम नहीं होता है, और आजकल आप घर भी देर से आते हो, और हम लोग साथ में डिनर भी नहीं कर पाते। वो क्या है ना, ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम बढ़ गया, बस इसलिए। भैया, आपको नहीं लगता है कि आजकल आप काम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं? आई नो काम भी जरूरी होता है, पर कभी कभी अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, है ना? और मैं देख रही हूँ कि आप भाभी को कभी घुमाने नहीं लेके जाते हो। आपको पता है कुणाल मुझे हर दूसरे दिन डिनर पे लेके जाता है, कभी लंच पे लेके जाता है, कभी घुमाने लेके जाता है, कभी ड्राइव पे लेके जाता है, और हम खूब सारी बातें करते हैं।
लेकिन एक शिकायत मुझे आपसे है कि आप भाभी को कभी नहीं लेके जाते हो। तारा, आज तुझे ये शिकायत तेरे भैया से है, हो सकता है कल तुझे ये शिकायत कुणाल से हो। क्या कह रही है बुआ? अरे भाई, अब तो तेरी शादी नहीं हुई है ना, एक बार शादी होने दे, फिर देखना ये जो तेरे सारे आउटिंग्स वाउटिंग्स है ना, वो धीरे धीरे कम कम और फिर फाइनली खत्म हो जाएगा। भैया, ये बुआ जो भी कह रही है क्या ये सच है? क्या शादी के बाद दोस्ती कम हो जाती है? लाइफ इतनी बोरिंग हो जाती है? तुम दोनों के प्यार में कोई खोट नहीं है बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र तो उन्हें होती है जिनका प्यार ही झूठ की बुनियाद पर टिका हो। सब तो जैसे खुश नसीब थोड़ी होते बिल्लू, और फिर शादी के बाद भी वही सच्चाई हो जो शादी से पहले हुआ करती थी तो रिश्ते बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता। हाँ भैया, और आप देखना मैं कुणाल को कभी नहीं बदलने दूंगी। अरे तू शायद कुणाल को ना बदले, लेकिन अगर कुणाल ने तुझे बदला तो क्या करेगी बुआ? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मुझे नहीं करनी ये शादी वादी। अरे तू तो बुरा मान गई, मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तारा, सच्चे प्यार में बदलाव के रूप में भी खुशियां ही मिलती, और अगर प्यार और भरोसा हो तो जिंदगी के बुरे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर एक दूसरे की परवाह हो तो फिर अपने लिए वक्त निकालना बहुत आसान हो जाता है। और प्यार की सजा नहीं, जिंदगी पर भरोसा करने का नाम। दवा ले लीजिए बाबा। ये रही तुम्हारी, और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैंने बोला मुझे दवा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। सभी तुम सर, आपकी दवा का वक्त हो गया है। सर, आप दवा लें ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। हेलो नर्स, तुम्हें इस घर में किस काम के लिए रखा गया है? आपकी देखभाल करने के लिए सर। और तुम्हें इस काम के लिए तनख्वाह भी मिलती है राइट? जी मिलती है। तो फिर वो जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है वो क्या इस घर में ऐश करने की मिलती है? मुझे दवा कौन देगा, तुम या फिर तुम्हारा वो डॉक्टर, या फिर बाहर से आएगा मुझे कोई दवा देने के लिए? तनख्वाह तुम लेती हो, इससे दवा भी तुम खिलाओगी, तुम्हारा वो पागल डॉक्टर नहीं, समझे तुम? सर, आपको कोई हक नहीं मुझसे इस तरह से बात करने का। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ,
लेकिन शायद आप अपनी तमीज बिल्कुल भूल चुके हैं। एक नर्स हूं मैं और आप मुझसे एक नौकर से भी बदतर सलूक कर रहे हैं। आपको मुझसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। आखिर सर आपको हो क्या गया है? ए लड़की, तुम मुझे बताइए कि मुझे मेरे घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुझे तो बहुत हमदर्दी थी ना मेरे से। इस हाल से तेरे तेवर बदल क्यों गए हैं? तेरे सामने खड़ा है ना असली विशाल, यही है मेरा असली रूप। सर शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं यहाँ आपकी देखभाल के लिए आई हूँ। चाहूँ तो मैं भी एक पल में आपको आपके परिवार की तरह छोड़ के जा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करके मैं एक मरीज को उम्र भर का मरीज नहीं बनाना चाहती। आप ही ठीक नहीं कर रहे हैं सर, आप ही ठीक नहीं कर रहे हैं। अब एक नर्स मुझे बताएगी कि मुझे मेरे ही घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अरे चली जाओ यहाँ से, तुम्हें रोका किसने है? वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। तुम मेरे लिए एकदम बेकार हो चुकी हो, एकदम बेकार। जगजीत को ऑफिस से निकलवाने के पीछे तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं? अगर इंसान कदम कदम पर सिर्फ गलत करता रहे तो उसका यही फैसला उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देता है। अगर इंसान कदम कदम पर जगजीत को ऑफिस से निकलवाने के पीछे तो उसका यही फैसला उसकी सारी अच्छाइयों को नजरअंदाज। अच्छा तो आ गए ड्रॉप करता ज्योति को, है ना? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रवि तुम एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो जरा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अपने प्यार को खोने का क्या दर्द होता है। मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रखना भी नहीं चाहता। जिसके हाथ खून से सने हो, जिसके दिल में फरेब और धोखे के अलावा कुछ ना हो, ऐसे इंसान की जगह मैं अपने आप को रख भी नहीं सकता, कभी नहीं। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है रवि, लेकिन वो मेरा अतीत था रवि, और मेरे आज मैं सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं है। क्या रवि एक बार तुम मेरे अतीत को भुलाकर मुझे माफ नहीं कर सकते? क्या मुझे एक बार मेरे सारे पापों का प्रायश्चित करने का मौका नहीं दोगे तुम? अच्छा, मैं अपने पापा के कातिल को माफ कर दूं? मैं उसे माफ कर दूं जिसने हमारे पापा को हम सबसे दूर कर दिया? मैं उसे माफ कर दूं जिसने हम सबके नसीब में जिंदगी भर का अकेलापन लिख दिया? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जी तो करता है कि तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूं और अपने पापा के मौत का बदला ले लूं। ठीक है, मार डालो मुझे, मार डालो रवि, वो है। वैसे मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए भी नहीं जिसमें तुम्हारा प्यार ना हो रवि, और तुम्हारे साथ के बिना मेरी जिंदगी वैसे भी मौत के बराबर है। मार डालो मुझे, खत्म कर दो मुझे रवि, वो है। अपनी दुश्मनी को अंजाम देने के लिए तुम इंसानियत भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं।